पे वो धार्मिक कार्यक्रम था, भगवान कल्कि महाराज का महोत्सव, उसमें सम्मिलित होने गए। अब उसका अर्थ लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं, एनडीए में शामिल होंगे, उसको दल शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश में जिनके नाम के बिना राजनीति की बात करना भी बेमानी होता है, जिनका जिक्र अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में ना हो तो मानो बात अधूरी लगती है, जो अपने बयानों के चलते चर्चा में बने ही रहते हैं, वो ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में लगातार सुगबुगाहट उठ रही थी कि ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। और इन चर्चाओं को और भी बल तब मिला जब ओपी राजभर एक कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ नजर आए, जहां राजभर ने न सिर्फ इस बात पर जवाब दिया बल्कि सीधे सीधे ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन के कई नेता और कई दल इस वक्त उनके संपर्क में हैं और वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर भी जवाब दिया और कारण भी बताया। जी, संभल के कलिक महोत्सव में आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ आप दिखाई दी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? कि वो धार्मिक कार्यक्रम था, भगवान कल्कि महाराज का महोत्सव था, उस महोत्सव में हमको निमंत्रण था, उसमें सम्मिलित होने गए थे। अब उसका अर्थ लोग अलग अलग निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कहीं आप विकल्प तो नहीं ढूंढ रहे हैं? इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता हमारे संपर्क में हैं और ये नेता जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, कुछ तो दल शामिल होंगे, अब कुछ नेता शामिल होंगे। आपके मंत्रिमंडल में शामिल होने की कब तक संभावना है? जिस दिन विस्तार होगा उस दिन हो जाएगा। विलंब होने का कारण क्या है? चुनाव, व्यस्तता। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं और अभी लोकसभा चुनाव से पहले इस सुगबुगाहट और तेज जरूर होगी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उनके बयान भी उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाते ही रहेंगे। मऊ से दुर्गा किनकर की रिपोर्ट, यूपी तक।